आज हम लोग स्पेशली और स्पेशली के फ़र्क को जानेंगे। ये दोनों एडवर्ब्स होते हैं। स्पेशली स्पेशली ये दोनों एडवर्ब्स होते हैं, अर्थात इनका यूज़ किसी शब्द को और व्याख्यायित करने के लिए किया जाता है, उसके बारे में और व्याख्या करने के लिए या उसके बारे में कुछ बताने के लिए किया जाता है एडवर्ब्स का यूज़। तो यहाँ पे दो शब्द है, स्पेशली और स्पेशली। क्या फ़र्क है, पहले इसका प्रोनंसिएशन देख लेते हैं। स्पेशली में छोटा सा ई भी आ जाता है पहले, स्पेशली छोटा सा ई रहेगा स्पेशली। और ये जो एस से शुरू होने वाला स्पेशली है, इसमें ई नहीं रहता, स्पेशली रहता है। इनका एडजेक्टिव जो बनता है वो एल वाई हट जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। स्पेशल, इसका जो अर्थ होता है विशेष, खास, औरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज़ माई वेरी स्पेशल फ्रेंड। अभी हम लोग एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, स्पेशली एडवर्ब पे आते हैं। अभी इसका जो एडजेक्टिव होता है स्पेशल, उसका अर्थ ये आपने अभी देखा, विशेष, खास या औरों से थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस सेंस में इस वाले स्पेशल का ई स्पेशल का इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यूज़ ऑफ स्पेशल इज़ वेरी रेयर। बहुत बहुत रेयर अगर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम लोग इस वाले स्पेशल का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण है, शी इज़ माई वेरी स्पेशल फ्रेंड, वो मेरी बहुत ख़ास दोस्त है। अब मान लीजिए कि किसी एलियन से आपकी दोस्ती हो गई, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ हो जाएगी। वो उस सेंस में स्पेशल का यूज़ करेंगे, स्पेशल का नहीं, इस स्पेशल का। स्पेशल और स्पेशल का यूज़ हम लोग देख चुके हैं, वो एडजेक्टिव थे। अब हम एडवर्ब पर आते हैं जिनमें एलवाई लगा रहता है, स्पेशली स्पेशली। पहले हम इसको देखते हैं, स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है अबव ऑल के सेंस में। अबव ऑल का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। जैसे मान लीजिए कि कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको ये दिखाना है कि कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे अबव ऑल के सेंस में हम स्पेशली का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। अब उनमें से आपको एक किसी पे ज़्यादा महत्व देना है, ये दिखाना है कि वो उनमें से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तब हम वहाँ पे स्पेशली का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मैंगोज़। यहाँ पे इस सेंस में बिना ई वाले स्पेशली का यूज़ नहीं होगा, अर्थात किसी लिस्ट में से अगर आपको किसी को, किसी एक विशेष चीज़ को अधिक महत्व देना है, तो वहाँ पे ई वाले स्पेशली का यूज़ किया जाता है। इसका दूसरा प्रयोग क्या है, बिफोर प्रिपोजिशंस और कंजंक्शंस। प्रिपोजिशन या कंजंक्शन का यूज़ अगर स्पेशली के बाद हो रहा है, या इसको ऐसे कह लें, प्रिपोजिशंस या कंजंक्शन के यूज़ के पहले हम ई वाले स्पेशली का यूज़ प्रिफर करते हैं। मतलब सिंगल स्पेशली का यूज़ भी किया जा सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आई बॉट दिस पेन स्पेशली फॉर यू।
यहाँ पे हम इसकी जगह इसका यूज़ भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। बस खाली इसका यूज़ करके हम थोड़ा अधिक महत्व दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है ये थोड़ी मूल्यवान ज़्यादा है, मूल्यवान इन द सेंस कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे स्पेशली का यूज़। देखिए आप किताबों में देखेंगे तो आपको मिलेगा स्पेशली इज़ प्रिफर्ड। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली का ही यूज़ हो इस सेंस में, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन के पहले, लेकिन हम इसका यूज़ जो है प्रिफर करते हैं। अब हम देखेंगे स्पेशली का यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बिना ई वाले स्पेशली का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो होता है यूज्ड विद अ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके पहले यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल देखिए, दिस लेटर इज़ स्पेशली रिटन फॉर नीरज चोपड़ा। यह पत्र जो है स्पेशली नीरज चोपड़ा के लिए लिखा गया है। यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म आया है, इस वजह से इसके पहले जो यूज़ किया जाएगा विशेष रूप से का अर्थ देने के लिए वो बिना ई वाला स्पेशली होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रिपोजिशन और कंजंक्शन के पहले ई वाले स्पेशली का यूज़ किया जाता है, और अबव ऑल सबसे महत्वपूर्ण का अर्थ देने के लिए, जैसे किसी लिस्ट में किसी वस्तु को अधिक महत्व देना है तो उसके लिए ई वाले स्पेशली का यूज़ किया जाता है। और जब किसी सेंटेंस में क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हमें विशेष महत्व की बात को कहना है तो हम सिंगल बिना ई वाले स्पेशली का यूज़ करते हैं, यही इसका फ़र्क है। और इसका जो अर्थ देता है ये सिंगल वाला स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले एस वाले स्पेशली का यूज़ करते हैं, ई वाले स्पेशली का नहीं करते। थैंक यू सो मच।